वक्त की बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे जो हमारे पास आ रही है टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ से, जहां पर नाबालिग का अपहरण किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान नाबालिग के परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है। बात की जाए पुलिस प्रशासन की तो पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के सामने धरने पर बैठे हैं स्थानीय लोग। मजना पुलिस चौकी इलाके का पूरा ही मामला बताया जा रहा है। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जुड़ चुके हैं हेमंत। हेमंत, आपसे जानना चाहेंगे, टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ में नाबालिग का अपहरण किया गया, जिसके बाद परिजनों ने दुष्कर्म के आरोप भी लगाए हैं, क्या है पूरा मामला? अब बिल्कुल सुनील, बताना चाहूंगा, बीते दिनों पहले इस लड़की का अपहरण हुआ था, जहां पर लड़की के परिजनों ने अपहरण की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को निकाल लिया, जहां से फिर इसके बाद परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। और यहां पर कई लोग, दर्जनों लोग, स्थानीय लोग मजना चौकी के सामने प्रदर्शन पर बैठे हैं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। हेमंत, जानना चाहेंगे पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्या कुछ प्रयास अभी तक किए गए हैं? बिल्कुल सुन, बताना चाहूंगा, इस मामले में अभी हमारी बात टीआई से हुई है, जिनका थाना प्रभारी का कहना है कि दो लोगों को हमने पुलिस अभी रक्षा में ले लिया है, उनसे बातचीत की जा रही है और जल्द से जल्द पूरे मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। हेमंत, अगर यहाँ पर बात की जाए स्थानीय लोगों की तो कार्रवाई की मांग को लेकर थाने के सामने ही धरने पर बैठ गए हैं। अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो क्या कुछ अभी तक समझाइश दी गई है? बिल्कुल, अभी धरने पर बैठे हुए लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौके पर एडिशनल एसपी पहुंच चुके हैं, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की जा रही है और जिसके बाद संभवतः शायद यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो खत्म हो सकता है, जहाँ की स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं और जहाँ पुलिस की कहना है कि जल्द से जल्द मामले की जांच कर। चलिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जल्द से जल्द मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पुलिस अपनी गिरफ्त में लेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए हेमंत, आपका धन्यवाद।